नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि एक तेज़ रफ्तार से स्कॉर्पियो आती है और मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारी जाती है। उसी समय वो तीनों युवक है वो घायल हो जाते हैं। उसी समय एक युवक की उसी समय ही मौत हो जाती है, दूसरे युवक की कल रात होते होते मौत हो जाती है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? सोनू है जी। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है? तीन दिन हो गए जी, आज कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एक्सीडेंट हुआ। कहानी क्या है ये बताइए। काम से आ रहे थे वापसी घर पे, पीछे से आ रहे थे भुन्ना से, पीछे आ रहे थे, फोटोग्राफी का काम करता है वो, और पीछे से गाड़ी लगी है जी, और एक की भाई की तो मौके पे डेथ हो गई थी और एक की आज हुई है। नहीं, कहाँ के थे ये दोनों? कहाँ के? दो पनियारी के थे, एक दड़बी का था। पनियारी वाले की तो मौके पे मौत होगी और दड़बी वाले की आज हुई है। हाँ जी, क्या नाम है? धर्मनदीप जी। हाँ जी, सरदूलगढ़ से वाया बूना से आ रहे थे, वाया होके सरदूलगढ़ से आ रहे थे, पीछे से गाड़ी आई स्कॉर्पियो, इन्होंने आराम अपनी साइड में जा रहे थे, वो अटैक करने लगा। ये नहीं पता चला भी उसको कि गाड़ी कैसे कैसे लगी है, कैसे नहीं लगी, ये हमको नहीं पता ही। पर तीन दिन हो गया आज, कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी पे भी। हाँ जी, तो स्कॉर्पियो को कोई पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा जाए, कोई प्रशासन से तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा नाम संदीप कुमार है जी। ये मेरे साड़ा रही थे जी, साड़ा साहब थे, ठीक है जी। ये वीडियोग्राफी का काम करते थे जी, ठीक है। दिहाड़ी पे गए थे बेचारे, बुन्ना से वापस आ रहे थे जी। दो लड़के पनियारी के थे जी और एक दड़बी का था, ठीक है जी। बिल्कुल गरीब परिवार है और वहाँ सरदूलगढ़ से 6 किलोमीटर मुसावाड़ा गांव पड़ता है जी। वहाँ पे एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही थी जी, तेज़ रफ्तार से गाड़ी से पीछे से टक्कर मारी जी। वो उड़ के काफ़ी दूर पे चोटें आई है जी उनको, चोटें आने के बाद वो पड़ गए जी वहाँ पे मौके पे। एक बंदे की तो 2 घंटे बाद मौके पे ही मौत हो गई थी। गाड़ी वाला इतना बेरहमे से गाड़ी लेके गया जी उनको कुचलते हुए, कुछ ने ना तो गाड़ी रोकी किसी प्रकार से और ना कोई उनको, अगर मौके पे होते तो शायद बच जाते जी, संभाल करते तो उनकी, ठीक है जी। प्रशासन के आज 3 दिन हो गए जी चक्कर काटते हुए। एक गरीब आदमी है, सुनवाई इसलिए नहीं हो रही, शायद नेता या कोई MLA MP का बेटा होता तो 1 सेकंड में हो जाती सुनवाई। ये गरीब आदमी जी, सीरी लगा हुआ जी, ठीक है जी। 4 बहनों का इकलौता भाई था, किसी प्रकार से कोई सुनवाई ना प्रशासन कर रहा है ना मीडिया को। हमने 2-3 बार दिया जी, 2-3 मीडिया वालों को, उनने भी दिखाने से इनकार कर दिया है क्योंकि एक गरीब आदमी की सुनवाई है जी। ये पूरा परिवार का उजाला ही छिन गया जी इससे, पूरा परिवार बेरहमी से रो रहा है जी। बिल्कुल उनका तो घर का चिराग ही बुझ गया जी। मैं अनिल विज, गृह मंत्री अनिल विज से दरखास्त करता हूँ जी, उनको जल्दी से जल्दी उनके पास सख्त कार्रवाई करी जाए जी, ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके जी। एक रोती 4 बहनों को इकलौता भाई, चारों बहनें इतना रो रो कर बुरा हाल हो गया जी, माँ बाप का हो गया जी, उनका तो परिवार का हिस्सा ही खत्म हो गया सब कुछ। 3 दिन से आज ना तो किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। SHO के पास जाए गए तो वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। हमारा मरीज गुजर चुका है जी, पैसे भी काफ़ी लगे, 4-5 लाख रुपए लग गए जी मरीज के ऊपर। ना तो किसी प्रकार प्रशासन साथ दे रहा, ना एक गरीब आदमी की पुकार है जी। तो हमारी सिरसा प्रशासन से गुजारिश और विनती है कि इनको जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए। और जो गाड़ी वाला टक्कर मारकर फरार हो गया और तेज़ रफ्तार से आ रहा था, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको न्याय दिलवाया जाए। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।